शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं मंजीत सिंह और आप लोगों का स्वागत है हम लोगों के डेली वेबिनार में। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे बीच में पंकज सर भी हैं जो कि हरि संजीवनी का चर्चा करेंगे। तो आप जो भी साथी, जिन भी व्यक्ति को, जिन भी किसान को हरि संजीवनी समझाना चाहते हैं तो उनको कॉल करके एक बार प्रोग्राम का लिंक उनके पास भेज सकते हैं, या फिर यदि वो आपके आसपास है तो आप अपने साथ लेके उनको बैठ सकते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग हरि संजीवनी के प्रोग्राम को शुरू करेंगे, चूंकि ये अपना डेली वेबिनार है, यहाँ पे नए लोग भी आते हैं, तो एक बार हम लोग चर्चा करते हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो पहले हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझेंगे। साथियों साथियों आपको अभी ये समझना है कि देखिए हमारे पास मार्केटिंग करने का दो तरीका है, एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा आरसीएम बिजनेस। तो दोनों में फर्क क्या है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब क्या हुआ, वो तरीका जो कि कई एक वर्षों से, कई एक पीढ़ियों से हमारे बीच में चलते आ रही है, और जो तरीका चल रही है आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि उसमें एक दुकानदार होते हैं जो कि हमारे जरूरत के सामान को बेचते हैं, हम अपने जरूरत के सामान को वहां से खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर है कि दुकानदार सामान बनाते नहीं, वो कहीं ना कहीं से खरीद के लाते हैं, वो जाके लाते हैं होलसेलर से, वो लाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, वो लाते हैं सीएनएफ से, और सीएनएफ वाले लाते हैं मैन्युफैक्चरर से। तो इस तरह से हमारे यहाँ क्या होता है, सामान आता है और हम उस सामान को यूज करते हैं। तो दोस्तों सामान कंपनी बनाती है, यूजर हम हैं, लेकिन हम कौन सा सामान यूज करेंगे, तो जिस सामान के विषय में हम जानते हैं उसी प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं। और ये बताने के लिए कि कंपनी कौन सा सामान किस यूज के लिए बनाई, इसके लिए कंपनी क्या करती है, एडवर्टीजमेंट कराती है, प्रचार करवाती है। तो यहाँ पे होता क्या है साथियों कि हमारे बीच में इस सिस्टम में होता क्या है कि कोई भी सामान कंपनी यदि एक रुपये का बनाती है तो हमारे पास आते आते वो लगभग 10 रुपये का हो जाता है। कुछ सामान ऐसे हैं जिसमें कि 20 रुपया 30 रुपया भी आपको पे आउट करना पड़ता है। और यहाँ पे एक व्यक्ति जो मेहनत करके पैसा कमाता है वो व्यक्ति हमेशा गरीब का गरीब ही रहता है, लेकिन ये जो बीच वाले लोग हैं, जो प्रचार करने वाले लोग हैं, वो अमीर बनते जाते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम में भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो पहले क्या था, पहले जो मार्केटिंग व्यवस्था था वो उसमें कई एक चैनल होते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक व्यवस्था और आया जिसको कि सिंगल लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। और वहां पे कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट अपने सामान को अपने फ्रेंचाइजी शॉप पे भेजती है और वहां भी कंपनी को विज्ञापन कराना पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ कि बीच वाले बहुत हद तक लोग हट तो गए, लेकिन मामला वही का वही रहा। और दोस्तों अभी जो जमाना है, अभी जो परिवर्तन है वो है डिजिटल मार्केटिंग का। आप देखें डिजिटल मार्केटिंग में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, तो यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी कंपनी या फिर एजेंट या फिर होलसेलर या फिर रिटेलर सारे लोग क्या करते हैं, अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को जोड़ के रखते हैं, आप सामान का ऑर्डर लगाते हैं और ये जो रिटेलर है वो आपको, आपके पास सामान को भेज देते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम, जहाँ की जो मेन है इस बाजार व्यवस्था के कस्टमर, उनको कुछ नहीं मिलता, बाकी लोग बहुत ज्यादा पैसा इसमें कमाते हैं। यहाँ पे ये कस्टमर जो है वो गरीब का गरीब रहते हैं, क्यों, क्योंकि सामान 10 रुपये का और इनको खरीदना पड़ता है 30 से 50 रुपये में। यानी कि यदि आपके घर में आज के डेट में यदि 3000 का सामान आप लाते हैं तो दोस्तों उसका लागत आप मान के चलिए कि कंपनी का लगभग 1 से 1.5 हजार के आसपास आता है, और बाकी जो पैसा है हमारा वो इन बिचौलियों के पॉकेट में चला जाता है। और यही रीजन है कि इस पैसे से ये लोग अमीर बनते जाते हैं और हम लोग हमेशा गरीब के गरीब ही रहते हैं। ये इस मार्केटिंग व्यवस्था का बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो अब यहाँ पे समझना है कि यदि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में सबसे प्रमुख कौन है, बेस कौन है, तो जाहिर सी बात है कि यदि कस्टमर नहीं रहे सिस्टम में तो ये बाजार व्यवस्था चलने वाली नहीं है। यानी कहीं ना कहीं कस्टमर प्रायोरिटी में नंबर 1 पे आते हैं, कंपनी नंबर 2 पे आती है, क्योंकि सामान बनेगा ही नहीं तो लोग यूज कैसे करेंगे, और बीच वाले नंबर 3 पे आते हैं। लेकिन यदि हम प्रॉफिट की बात करें साथियों, तो प्रॉफिट में ये बीच वाले नंबर 1 आ जाते हैं। कंपनी जो का जो अपने पोजीशन पे रहती है 2 नंबर पे, और जो मेन है इस बाजार व्यवस्था के जो बेस है कस्टमर, वो कहां जाते हैं प्रॉफिट में, तो 0 रहते हैं, इनको प्रॉफिट कुछ नहीं मिलता, बस पैसा दिए सामान लिए और कहानी आपकी यहीं पे
खत्म हो जाती है। तो अब दोस्तों इस व्यवस्था में सोचा गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये व्यक्ति तो जीवन भर गरीब रहेगा, इनका कभी भी क्लास चेंज नहीं होगा। और आज आप देखिए दोस्तों, लोग मिडिल क्लास से लोअर क्लास में आ रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास से अपर क्लास में नहीं जा पा रहे हैं। तो सोचा गया कि इस व्यवस्था में क्यों ना कुछ बदलाव किया जाए, क्योंकि इस सिस्टम से यदि इन बीच वालों को हटा दे तो सिस्टम चल सकता है या नहीं चल सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट तो यहीं पे जाता है। यहाँ पे देखा गया कि यदि बीच वाले को हटाया जाए तो चल सकता है, लेकिन कब, जब दोनों लोग थोड़ा थोड़ा अपनी जिम्मेदारी लें। तो कंपनी बोली कि अब हम जिम्मेदारी लेते हैं कि जितना भी पैसा लगाने वाला काम है, चाहे वो काम वो कंपनी करेगी, और जितना भी फ्री वाला काम है वो कस्टमर को करना है। तो दोस्तों इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट वाला काम कौन सा है, तो कंपनी एजेंट वाला काम अपने पास ले ली, कंपनी होलसेलर वाला काम अपने जिम्मे ले ली, कंपनी शॉपकीपर वाला काम अपने जिम्मे ले ली, क्योंकि यहाँ पे पूंजी लगाना पड़ता है और हर व्यक्ति के पास पूंजी होता नहीं है। लेकिन कंपनी बोली कि आप एक काम कीजिए, आप पहले भी यूजर थे, अभी भी यूजर रहिए, लेकिन साथ में एक काम कीजिए, यदि हमारा सामान आपको अच्छा लगे तो आप बताना शुरू कीजिए। तो दोस्तों आप विज्ञापन कीजिए, तो बताइए विज्ञापन करना कोई नया काम है क्या? तो आपसे कहा जा रहा है आपके पास एलजी का मोबाइल है, आप उसका विज्ञापन करते हैं, आपके पास सैमसंग का टीवी होता है, आप उसका विज्ञापन करते हैं, लोगों को बताते हैं, आपके पास हीरो होंडा का बाइक होता है, आप वो लोगों को बताते हैं, आप यदि ये कोजी स्वीट्स का मिठाई आपको अच्छा लगता है तो वो आप फ्री में एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं दोस्तों, लेकिन वहाँ एडवर्टाइजमेंट का आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे कंपनी बोली यदि यहाँ पे हमारा विज्ञापन आप करते हैं तो हम क्या करेंगे कि आपके कहने से यदि कुछ लोग सामान लेना शुरू करें तो हम यहाँ ये बीच वाले जितने इंसेंटिव लेते थे वो इंसेंटिव आपको दे देंगे। तो दोस्तों समझने वाली बात ये है कि यदि ये बीच वाले रिटेलर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो बैठे हुए थे बीच में, ये इस इंसेंटिव से हजारपति लाखपति करोड़पति अपने जरूरत के हिसाब से बन सकते हैं, अपने पूंजी के हिसाब से उतना पैसा कमा सकते हैं, तो यही पैसा आपके पास आए तो आप बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी बनेंगे। अब देखिए इस बाजार व्यवस्था का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का, कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ डुप्लीकेसी का कोई चक्कर नहीं दोस्तों, क्योंकि कोई भी सामान कोई भी कंपनी अपना डुप्लीकेट नहीं बनाती, डुप्लीकेट सिर्फ बिचौलिए करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा पैसा कमाना होता है। दूसरा चूंकि बीच वाले लोग हट गए तो ज्यादा कमीशन बच गया, विज्ञापन का पैसा कंपनी का बच गया, यहाँ आपको कुछ सस्ते रेट में सामान भी मिल जाता है और साथ में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अनलिमिटेड इनकम कमाने का, अनलिमिटेड इंसेंटिव कमाने का। तो दोस्तों अब हमें ये समझना चाहिए कि जब इतना फायदा हमारे दुकान बदलने से हमको हो रहा है तो हमें बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। तो हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोग बताएं कि बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। यदि सामान बदलने से, ब्रांड बदलने से, बात बदलने से यदि हमारा किस्मत बदलता हो तो निश्चित तौर पर बदलना चाहिए दोस्तों। अब देखिए अब मुद्दा ये आता है कि इस टाइप की कंपनी तो बहुत सारी है, हम किस कंपनी को ज्वाइन करें। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि देखिए आपको किस कंपनी के साथ जाना चाहिए, तो आपको उस कंपनी के साथ जाना चाहिए जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ कंफर्टेबल प्रोडक्ट। कंफर्टेबल का मतलब आपके जरूरत का सामान, यानी कि ऐसा सामान कंपनी मत दे रही हो जो आपके यूज का है ही नहीं, आपको लोगों को समझाना पड़ रहा हो। तो दोस्तों आपको उस कंपनी के साथ जाना है तो आपके हिसाब के सामान को बनाती है, आपके जरूरत के सामान को बनाती है, आपके रोजमर्रा के सामान को बनाती है, और वहां भी प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, लार्ज नंबर होना चाहिए, यानी कि आपका मैक्सिमम सामान उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा क्या देखना है दोस्तों, एमआरपी डीपी बीबी का रेशियो क्या है उस कंपनी का, वो जो एमआरपी है वो आपके रेंज में है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी एमआरपी 1000 रख ली और प्रोडक्ट 100 रुपए का है और उसी में से फिर आपको दे रही है, तो दोस्तों उस कंपनी में भी आपको नहीं जाना चाहिए। नंबर तीन, सप्लाई चेन सिस्टम, क्योंकि दुकान रहेगा तब तो सामान खरीदेंगे, जब दुकान ही नहीं रहेगा तो सामान खरीदेंगे कैसे, तो आप चेक कीजिए कि उस कंपनी का सप्लाई चेन सिस्टम कैसा है। और चौथा, सपोर्ट सिस्टम, तो दोस्तों आपको ये भी देखना है तो आपको आगे बढ़ाने के लिए कंपनी के पास सपोर्टिंग सिस्टम कैसा है, और साथ में ओवर सक्सेस रेशियो, यानी कि वहाँ जो लोग जाते हैं उनका सक्सेस रेशियो क्या है, वो वहाँ पे टिकते हैं या नहीं टिकते हैं, या हर 2-4-5 साल पे उनको कंपनी बदलना पड़ता है। तो दोस्तों ये 5 चीजें हैं जो कि आपको चेक करना है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते समय। और मैं बताऊं दोस्तों कि मैं जिस कंपनी को चुना उस कंपनी का नाम RCM है, जिसका उद्देश्य है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो दोस्तों इस उद्देश्य पे ये कंपनी काम करती है और लगातार 17 साल से हम इस कंपनी में लगातार चलते आ रहे हैं। हम अपने लाइफ में
फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कोई ज्वाइन किए तो आरसीएम, और हमें गर्व होता है ये कहते हुए कि हम अभी भी आरसीएम में कार्यरत है, हमें दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब दोस्तों क्यों आरसीएम करना है, क्या है आरसीएम का विजन, तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले। देखिए पहले स्ट्रेंथ ऑफ आरसीएम की बात यदि करें तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट वाजिब कीमत पे मिलता है। दूसरा यदि हम बात करें वितरण व्यवस्था का, तो बहुत सारा यहाँ पे डिलीवरी सेंटर है, 10,000 से ऊपर डिलीवरी सेंटर, 20 साल का कंपनी का अनुभव, और सबसे बड़ी बात यहाँ का जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ही बेहतरीन है। चाहे मामला किसी प्रॉब्लम को लेके हो या मामला किसी सुविधा को लेके हो, दोनों तरफ से यहाँ पे कस्टमर सर्विस आपको बेटर मिलता है, और रियल इन्फॉर्मेशन वो भी करंट मिल जाता है। आप प्रोडक्ट लेते हैं आपके मोबाइल पे तुरंत मैसेज आ जाता है कि नहीं आपने इतने का सामान खरीदा, उसका बिजनेस वॉल्यूम इतना हुआ। साथ में ये कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, बेहतरीन प्रशिक्षण व्यवस्था इस कंपनी के पास है। यहाँ पे आपको एसओपी मिलता है आपको बिजनेस का लाइसेंस करने के लिए, आपको यहाँ पे डीप जैसा सिस्टम है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पे यूएस जैसे एजुकेशन सिस्टम है तो कंटिन्यू आपको वेबिनार और सेमिनार अवेलेबल कराते हैं, ट्रेनिंग का भी मोटिवेशन का भी, साथ में सारे लीडरों का प्रोग्राम कंटिन्यू होता है, बिजनेस में लगातार ग्रोथ है, कंटिन्यू कंपनी आगे की ओर बढ़ रही है, और साथ में डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, यानी कि देश के सबसे ज्यादा लोग इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और नैतिक मूल्यों पे काम करने वाली कंपनी है। अब दोस्तों यदि हम बात करें, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके उत्पाद की खास बात क्या है, क्योंकि हम यहाँ पहले तो कस्टमर बन के आते हैं, यानी कि पहले हमें मार्केटिंग करना होता है। तो देखिए ये कंपनी डेली यूजेबल प्रोडक्ट बनाती है, हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि कंपनी कोई भी ऐसा सामान नहीं बनाती जिससे कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान हो, साथ में हाई क्वालिटी का, यानी कंपनी जो अपना स्टैंडर्ड रखी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मान्यता कंपनी मेंटेन करती है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि रीजनेबल रेट में आपको प्रोडक्ट मिलता है। अब यदि बात करें कि हमारा प्रोडक्ट रीजनेबल रेट में क्यों मिलता है आपको, तो इसका कारण है दोस्तों हमारा 80% प्रोडक्ट हमारे अपने प्लांटों में तैयार किया जाता है, यानी कंपनी का अपना बहुत बड़ा प्लांट है भीलवाड़ा में, उत्तराखंड में, असम में, और जहाँ पे की कंपनी अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करती है। साथ में हमारे पास अत्याधुनिक क्वालिटी लैब है जहाँ पे की हम हर तरह का टेस्ट करते हैं, चाहे हमारा रॉ मटेरियल हो या फिर हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया हो, पहले केमिकल लैब में चेक किया जाता है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल लैब है हमारे पास, केमिकल लैब है, माइक्रोबायो लैब है, सूक्ष्म चीजों का जांच करके फिर प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाया जाता है। तो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आपको कंपनी अवेलेबल कराती है, क्यों कराती है। और साथ में दोस्तों यदि हम बात करें तो हमारे पास प्रोडक्ट रेंज कैसा है, तो नया उत्पाद है हमारे पास, इनोवेटिव प्रोडक्ट, कंपनी हमेशा रिसर्च करते रहती है। पहले सुने होंगे कि आज से 30 साल बाद भेज मीट भी बाजार में आएगा, और हमारी कंपनी 5-7 साल पहले से भेज मीट आपके लिए लेके आ रही है, क्योंकि लोगों का रुझान वेजिटेरियन की तरफ हो रहा है, लेकिन टेस्ट के आदतों की वजह से लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों टेस्ट में उससे बेस्ट आपको मिलेगा, क्वालिटी में उससे बेस्ट आपको मिलेगा। उसके बाद 4 स्तरीय गुणवत्ता जांच हमारे यहाँ होता है प्रोडक्टों का, कंटिन्यू रिसर्च होता है हमारे यहाँ, और कंपनी जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं हमारी जो कंपनी है वो फॉलो करती है हाई स्टैंडर्ड पैरामीटर को प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने में। वितरण व्यवस्था की बात करें दोस्तों, जैसा कि हम बताए थे कि किस कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए, तो 10,761 हमारे पास वंडर वर्ल्ड क्विक हैं, पीयूसीज है जो कि आपको प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं, साथ में 1 लाख से ऊपर डिस्प्ले वाल है, और पीयूसी और डिस्प्ले वाल को माल कंटिन्यू मिलता रहे ऑल ओवर इंडिया में, इसके लिए कंपनी 163 डिपोज खोल के बैठी है। यानी कि एक आम नेटवर्कर जो दूसरे नेटवर्कर है ये जो बताते हैं कि हमारे पास इतना डिलीवरी सेंटर है, तो जितना उनका डिलीवरी सेंटर है उतना तो कंपनी डिपोज खोल के बैठी है। दोस्तों यदि हम प्रोडक्ट की बात करें कि कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे हैं, तो प्रोडक्ट की बात यदि करें दोस्तों तो हमारे पास प्रोडक्ट का सीरीज है, जैसे स्वेच्छा को ले तो खाखड़ा, पापड़, अचार, आपको भुजिया, मिक्सचर सब कुछ मिलता है, गुलाब जामुन मिलता है, आटा मिलता है, मल्टीग्रेन आटा मिलता है दोस्तों, जिसमें कि 12 प्रकार के अनाज मिलाए गए हैं, हमारे पास हेल्थ गार्ड ऑयल है, चाय पत्ती है हमारे यहाँ, किनोआ जैसे प्रोडक्ट, मखाना जैसे प्रोडक्ट, ग्रीन टी, कहवा यहाँ पे आपको मिलता है, हनी की यदि बात करें दोस्तों जर्मनी के लैब से चेक होकर आता है हमारा हनी, क्वालिटी में कहीं भी कंपनी समझौता नहीं करती। यदि क्लीनिंग की बात करें तो ग्रास क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है हमारे पास। उसके बाद यदि दोस्तों बात करें
लिक्विड डिश वॉश क्लीनर है हमारे पास, हर तरह का प्रोडक्ट है जो पिक्सी के तहत आता है, रिवाइटो सर्फ आपके कपड़े में जान डालने के लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हर साइज में मिलता है आपको। 2 केजी का बड़ा परिवार है 2 केजी का लीजिए, छोटा परिवार है 500 ग्राम में काम चलाइए। साथ में यदि आप उससे कम रेंज का लेना चाहते हैं तो हमारे पास फ्रिज वॉशिंग पाउडर है, ये भी कई रेंज में अवेलेबल है दोस्तों। यदि हम साबुन की बात करें तो देखिए हमारा ईना सीरीज, जिसमें जास्मिन, नीम, एलोवेरा, हल्दी, वाटरमेलन, लाइम, लेमन ग्रास, जो फ्लेवर आपको चाहिए उस फ्लेवर का मिलेगा। यदि हम बात करें सिनोल सीरीज का, तो 4 तरह का हेयर ऑयल हमारी कंपनी आपके लिए लाई है। मन करे ठंडा तेल लगाइए, मन करे रिवाइटलाइजर ऑयल लगाइए, मन करे सरसों नीम लगाइए, मन करे आंवला लगाइए। 3 तरह का शैम्पू आपके लिए कंपनी लेके आई है दोस्तों। तो ये हमारा सिनोल का सीरीज है। साथ में यदि लग्जरी प्रोडक्ट में जाना है तो सियोना मॉइस्चराइजिंग सोप, साथ में सियोना का मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन, ये आपके लिए कंपनी अवेलेबल कराई है। यदि हम बात करें हमारे नाइसा सीरीज का, तो इसमें आपको मिलता है टेलकम पाउडर, हैंड वॉश नाइसा सीरीज के साथ आता है दोस्तों, डेटमैक्स साबुन आता है नाइसा में, लिप बाम है हमारे यहाँ, सेंसेशन जैसा मॉइस्चराइजिंग सोप है, यदि आपको ग्लिसरीन सोप लगाना है तो वो भी है हमारे पास। यदि क्रीम के शौकीन है आप, तो हमारे पास क्रीम भी है फेयर एंड साइन, हमारे पास फुट का क्रीम भी है। आज देखिए मैक्सिमम लोगों का आप देखेंगे तो तलवा फटा रहता है, एक बार इस्तेमाल करके देखिए। हमारे पास ऑल पर्पस क्रीम है, यानी एक क्रीम और कई एक काम होते हैं उसको। हमारे पास यदि हम बात करें पेस्ट का दोस्तों, क्योंकि ब्रश ये हर कोई चाहते हैं कि हमारा मुंह हमेशा स्वच्छ रहे, दांत हमेशा स्वच्छ रहे, दांत में कीड़े ना लगे, तो हमारे यहाँ 2 तरह के पेस्ट हैं, दोनों के दोनों हर्बल हैं, कैबिगो है और दंत मंजन भी हमारे पास अवेलेबल है। यानी कि गुड मॉर्निंग में आपको ग्रीन वाले का जरूरत पड़ेगा और रात में आप रेड वाले से अपना ब्रश करें। साथ में क्योंकि भक्ति भावना हमारे देश में बहुत है, आप देख लीजिए कि हम लोग पूजा पाठ पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं दोस्तों, और हर धर्म के लोग हमारे यहाँ है, लेकिन हर धर्म धर्म आपका कोई भी हो, लेकिन पूजा हम अगरबत्ती से ही करते हैं। तो अगरबत्ती भी कई एक प्रकार का हमारे यहाँ है, आपको धूप चाहिए धूप मिलेगा, रोज मोगरा सैंडल। हम यदि बात करें तो नीम का अगरबत्ती हमारे पास कैंपर और क्लोव है, यानी कि कपूर और लौंग वाला अगरबत्ती दोस्तों। आप सोच के देखिए, अभी कोरोना काल में हर कोई अपने घर में कपूर जलाते हैं, हर कोई अपने घर में लौंग जलाते हैं ताकि वायरस बैक्टीरिया का इफेक्ट कम हो, तो वैसा वैसा प्रोडक्ट है हमारे पास। गुड डॉट सीरीज है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, टेस्ट में बिल्कुल मीट के जैसा लगेगा, लेकिन 100% वेजिटेरियन, प्रोटीन आपके मीट मछली से ज्यादा है इसके अंदर, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल रहित, सुपाच्य है, पचने में आसान है, स्वाद में नंबर वन है। गुड डॉट में कई सीरीज है दोस्तों, प्रोटीज है, प्रोटीन प्लस है, वेजिटेरियन बाइट है हमारे यहाँ वेजिटेरियन पुलाव है, वेजिटेरियन बिरयानी है। साथ में गुड डॉट सीरीज में आपको सूप भी मिलता है, मैजिक माय सीक्रेट मसाला भी मिलता है। अब दोस्तों यदि हम बात करें, आज देखिए कोरोना काल में वेलनेस पे बहुत सारे लोगों का फोकस गया है, तो वेलनेस पे हमारी कंपनी बहुत ही शानदार काम करती है, और वेलनेस में हमारा जो सीरीज है न्यूट्री चार्ज दोस्तों, आपके बच्चे से लेके आपके घर के बुजुर्ग तक का रेंज है इसके अंदर। आप देखे अपने बच्चे को हेल्थ सप्लीमेंट आप पिलाते हैं, कई एक बोतल पिला चुके होंगे अलग अलग ब्रांड का, लेकिन आपके बच्चे में क्या प्रभाव आया उसका आपको कुछ पता चला क्या? कुछ पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों यदि आपके घर में 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, एक बार मेरा किड्स आप 3 महीना पिला के देखिए, और आपका बच्चा बताएगा कि किड्स के अंदर कितना दम है। 49 तरह का न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर, साथ में 10 बोटेनिकल, 3 तरह का प्रोटीन, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, और दोस्तों प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक से युक्त ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट आपको बाजार में किसी भी ब्रांड में मिलने वाला नहीं है। हमारे पास प्रोटीन पाउडर है जो कि ट्यूबों से कंपनी मंगाती है यूएसए से, और यूएसए वर्ल्ड का सबसे सबसे प्रोटीन ड्यूपो जो है वर्ल्ड का सबसे सर्वश्रेष्ठ सोया प्रोटीन बनाने वाली कंपनी है दोस्तों। हमारे पास केसर पिस्ता में प्रोटीन है, सोया प्रोटीन केसर पिस्ता के टेस्ट में मिलेगा आपको, हमारे पास कोकोआ टेस्ट में मिलेगा, हमारे पास स्ट्रॉबेरी टेस्ट में मिलेगा। याद रखिए दोस्तों, ये प्रोटीन का हम टेस्ट बता रहे हैं, प्रोटीन का फ्लेवर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्ट्रॉबेरी टेस्ट है उसमें स्ट्रॉबेरी का पाउडर डाला हुआ है, जो कोकोआ है उसमें कोकोआ पाउडर डाला हुआ है, जो हमारे यहाँ केसर पिस्ता है उसमें ओरिजिनल केसर पिस्ता डाला हुआ है। कंपनी फ्लेवर पे काम नहीं करती।
हमारे यहाँ वायरल चीजों से आपके बचाव के लिए इस 5 जैसे प्रोडक्ट है। आज देखिए हर कुछ ऑनलाइन चल रहा है, आपका काम ऑनलाइन है, बच्चों का पढ़ाई ऑनलाइन है, और आपको पता है दोस्तों लैपटॉप मोबाइल टीवी से ब्लू रे निकलता है जो कि डायरेक्ट आपकी आंखों को क्षति पहुंचाता है। तो उससे यदि बचाव करना है तो न्यूट्रीचार्ज व्यू है हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। यदि आज देखिए दोस्तों लोग जागरूक हो रहे हैं और हमारा शरीर सब कुछ बनाता है लेकिन ओमेगा नहीं बनाता, तो अब ओमेगा 3 का जब नाम आता है दोस्तों तो लोगों के दिमाग में जाता है कि मछली के तेल से निकलता है, लेकिन दुनिया का नायाब तोहफा ये कंपनी लेके आई है हमारी, वो है भेज ओमेगा। और दोस्तों इस रेट में आपको मिलने वाला नहीं है। यदि आपका याददाश्त कमजोर होते जा रहा है तो हमारे पास DHA है। आज देखिए दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े बहुत ज्यादा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के ब्रेन का विकास 70% से ज्यादा माँ के गर्भ में ही हो जाता है। तो जैसे ही बच्चा गर्भ में आए आप माँ को DHA देना शुरू कर सकते हैं। साथ में यदि बच्चा 2 साल 3 साल का है तो DHA ट्विस्ट है हमारे पास, और यदि बच्चा बड़ा हो गया यानी आपका मेमोरी लॉस हो रहा है तो दोस्तों हमारे पास आपके लिए भी DHA है। आपका वेट कम है हमारे पास गेनर है, आपको आपका वेट ज्यादा हो गया है हमारे पास स्लिम एंड फिट है, यदि हड्डी में प्रॉब्लम है हमारे पास DHA है। और दोस्तों शरीर का सबसे कीमती अंग जो है जो कि कई एक तरह का काम करता है और वो है हमारा लीवर, 500 तरह का काम करता है। और लीवर दोस्तों एक बार सुने होंगे कि जिसका खराब हो जाता है वो दुनिया छोड़ के चला जाता है, लेकिन टूट जाता है कभी सोचा आपने? क्योंकि लीवर एक ऐसा अंग है जो 70-80% भी खराब हो जाता है तो भी आपको पता चलने नहीं देता है, वो काम करते रहता है। लेकिन लीवर की एक खासियत क्या है दोस्तों, यदि वो खराब भी हो गया है और टाइम पे पता चल जाए तो वो अपना निर्माण खुद कर सकता है, अपने आप को रीबिल्ड कर सकता है। तो दोस्तों आपके लीवर के बचाव के लिए BioAge जैसा हमारे पास प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्टों की कमी नहीं है, आपके डेली विटामिन मिनरल के मेंटेन के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन न्यूट्रीचार्ज बी मैन। दोस्तों ये तो प्रोडक्ट की बात है, एक बार खाएंगे तब आपके समझ में ये प्रोडक्ट आएगा। कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो दुनिया की कोई भी कंपनी इस इंग्रेडिएंट्स का सामान इस रेट में इस क्वालिटी में नहीं दे सकती है। हमारे पास किसोल जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है दोस्तों, आने वाले समय में जो आर्थिक रिसर्चर है उनका कहना है कि आने वाले समय में 2 चीजों का बिजनेस चरम पे रहेगा, एक तो न्यूट्रिशनल का और न्यूट्रिशन का और दूसरा कॉस्मेटिक का। और दोस्तों हमारी कंपनी कॉस्मेटिक भी आपके लिए लेके आई है वर्ल्ड क्लास। यदि क्वालिटी की बात करें तो इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, चाहे हमारा लिपस्टिक हो, नेल पॉलिश हो, आईलाइनर हो, लिप बाम हो, या फिर लिक्विड सिंदूर की बात करें हम, या फिर आई शेडो की बात करें हम, या फिर हमारे किसोल का जो पैड है सैनिटरी पैड उसका यदि हम बात करें तो दोस्तों कई एक रेंज कंपनी यहाँ पे लेके आई है। और सबसे बड़ी बात हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम। आज दोस्तों देखिए जिस खेती को लोग छोटा मानते थे, जिस खेती करने वाले किसान भाइयों को लोग ये समझते थे कि जो बेकार है वो हमारे यहाँ खेती करता है, तो दोस्तों आज देख लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करने को तैयार हैं। यानी आने वाले समय का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जो आपको आगे लेके जाएगा वो है दोस्तों हमारा खेत। और आज देखिए हमारे खेत का उर्वरक क्षमता घटते जा रहा है, क्यों? क्योंकि यूरिया का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल इतना हो रहा है कि हम उपज बढ़ाने के चक्कर में अपने खेतों को बंजर बनाते जा रहे हैं। तो हमारे खेत में हरियाली लगातार बनी रहे, उसका उर्वरण क्षमता लगातार बनी रहे, जैसे हम बॉडी के इम्यूनिटी की बात करते हैं हमारे खेत के इम्यूनिटी के लिए हमारा शानदार प्रोडक्ट हरित संजीवनी, जिसके विषय में हम अपने इस स्पीच के बाद समझेंगे। तो हरित संजीवनी जैसा नया प्रोडक्ट है हमारे पास, जो कि हमेशा अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी पे ये कंपनी काम करते रहती है। इनका अपना लैब है जहाँ पे कि रिसर्च होता है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट को आपके पास लाया जाता है। यदि हम बात करें दोस्तों रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 मुख्य आवश्यक आवश्यकता है, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। तो रोटी तो आपको पता ही है कि रोटी का सारा सामान हमारे पास है, साथ में कंपनी कपड़ा भी आपके लिए लाई है। शर्ट पहनना हो, टी शर्ट पहनना हो, ब्लेजर पहनना हो, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। जींस चाहिए, आपको जूता चाहिए, यहाँ पे जूता मिलेगा। आप ट्रेवलिंग करते हैं, ट्रेवलिंग बैग है हमारे पास, स्कूल बैग है हमारे पास, एसेसरीज में पर्स है, बेल्ट है,
हर तरह का सामान आपको मिलेगा, बच्चों के पढ़ाई के लिए स्टेशनरी भी हमारे पास, आपके कीर्तन के लिए, चाहे सामान रखना हो, चाहे सामान बनाना हो, या फिर गैस की बात को, गैस चूल्हा है हमारे पास, इंडक्शन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक केटली है हमारे पास, और दोस्तों रात में सोने के लिए कंफर्टेबल बेडशीट भी है हमारे पास, जो कि आपके किंग साइज बेड को भी आराम से ढक देती है। तो दोस्तों ये हमारा प्रोडक्ट था, 400 से ऊपर प्रोडक्ट रेंज है, और प्रोडक्ट के बारे में तो हम यही कहेंगे कि एक बार इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और प्रोडक्ट को देने के लिए, ब्रांड विजिबिलिटी के लिए अच्छा अच्छा शोरूम आपको कई एक सिटीज में मिल जाएंगे, जिसको कि हम वंडर वर्ल्ड बोलते हैं। और ये जो वंडर वर्ल्ड आप देख रहे हैं, ये मुंबई का वंडर वर्ल्ड है, और जब इसके अंदर जाएंगे तो इस तरह से सुनियोजित सामान आपको मिलेगा, और सामान की विजिबिलिटी के लिए कंपनी ब्रांडिंग भी की है, तो ताकि आपको प्रोडक्ट ढूंढने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, आपको ऐसा महसूस ना हो कि कहीं हम छोटे जगह पे चले गए हैं। अब आरसीएम प्रोडक्ट का फायदा क्या है दोस्तों? शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट है, गुणवत्ता के हिसाब से, क्वालिटी के वाइज हमारा रेट बाजार से कम, खरीदारी में कई एक तरह के लाभ आपको मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक भी सामान आप लेते हैं तो उसका जीएसटी बिल जनरेट होता है, यानी आपके एक एक पैसे का जो टैक्स जनरेट होता है वो भारत सरकार को जाता है, और बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी भी आपको मिलता है। दोस्तों बहुत सारे लोग आपको नेटवर्क बताएंगे, लीडर बताएंगे, कार बताएंगे, पैसा कितना आता है ये बताएंगे, लेकिन अपने ऑफिस के बारे में नहीं बताते। ये है हमारा आरसीएम वर्ल्ड, 17 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ दोस्तों, यहाँ पे ऑडिटोरियम है, यहाँ पे वेयर हाउस है, यहाँ पे कई प्लांट है, यहाँ पे की प्रोडक्ट हमारे तैयार होते हैं, और सबसे बड़ी बात, कभी भी आप जाके किसी भी प्लांट को विजिट कर सकते हैं, इतना अधिकार है आपके पास, जो कि कोई भी कंपनी नहीं देती। एक एक रूम में लोग कंपनी चलाते हैं साथियों, तो ये है हमारा आरसीएम वर्ल्ड, जहां से कि पूरे देश में बिजनेस को चलाया जाता है, और ये है हमारा इंसेंटिव स्लैब, आपको कंपनी 32% तक परफॉर्मेंस बोनस देती है, 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल बोनस, यानी कुल 41% कमीशन आपको कंपनी देती है। अब इस सिस्टम में आने का फायदा क्या है दोस्तों? तो देखिए दो तरह का काम है, एक तो आप या तो कस्टमर बन के शिफ्ट रहे, या फिर बिजनेस करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप बिजनेस मैन भी बन सकते हैं। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस कैसे हो सकता है, तो दोस्तों एक किताब है, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, और इसके लेखक जो है डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट टी कियोसाकी, दो लेखक एक संदेश, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अमीर बना सकता है, कैसे बनाएगा इसका आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन यदि आप सिर्फ कस्टमर बन के रहते हैं तो क्या फायदा है? तो दोस्तों आज देखिए प्रोडक्ट जो यहाँ पे आप लेते हैं, तो सबसे पहला फायदा कि प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे नहीं मिलता, प्रोडक्ट आपको डीपी पे मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, क्योंकि एमआरपी से 10 से 15% 20% कम होता है। और दूसरा फायदा 10 से 32% तक इंसेंटिव आपको यहाँ पे मिलता है। तो अब देखिए कि एक व्यक्ति कब तक सामान खरीदते हैं, तो लाइफ टाइम हर कोई सामान खरीदता है अपने लाइफ में, और जब आप लाइफ टाइम सामान खरीदते हैं तो एक व्यक्ति कितने साल तक खरीदता होगा दोस्तों? तो 20 से 22 साल तक हमारे यहाँ लोग कमाने लगते हैं, और 80 से 85 साल तक खरीदते हैं, यानी कि लगभग 50 से 60 साल वो मार्केटिंग करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो देखिए आज यदि हम बात करें कि आपके घर का मंथली एक्सपेंस कितना होगा, तो दोस्तों यदि हम मंथली एक्सपेंस का बात करें तो आज हर घर में लगभग 5,000 रुपया पर मंथ का खर्च तो आ ही जाता है, कम से कम की ये बात है। 5,000 में आज के डेट में गरीब का घर भी चलने वाला नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर 5,000 भी खर्च है तो एक साल में कितना होगा? 60,000, 10 साल में 6 लाख, और अगले 20वें साल में सामान खरीदना हो, हम दशक की बात करेंगे दोस्तों, अगले दशक में आप जब जाएंगे तो सामान वही 6 लाख वाला सामान महंगाई की वजह से 12 लाख में लेना पड़ेगा, और उतना ही सामान अगले 30वें दशक में आपके पास 24 लाख का आएगा, 40वें दशक में 48 लाख का आएगा, और 50वें दशक में 96 लाख का, यानी कि पूरे लाइफ में 1,86,00,000 का सामान आप खरीदते हैं। और दोस्तों इसमें क्या है? सिर्फ आपका रोटी है, कोई पार्टी शार्टी नहीं है, बर्थडे पार्टी नहीं चलेगा, एनिवर्सरी नहीं चलेगा, शादी विवाह इस खर्चे में नहीं चलेगा, और यदि वो सब करते हैं तो एक आम से आम व्यक्ति भी अपने लाइफ में लगभग 2.5 करोड़ रुपया खर्च करता है। और दोस्तों यदि 2.5 करोड़ आप बाजार में खर्च करेंगे, 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यही 2.5 करोड़ यदि यहाँ करते हैं, यहाँ आरसीएम की दुकान से सामान लेते हैं, तो एमआरपी का जो डिफरेंस होता है दोस्तों लगभग 15% भी हम काउंट करें तो 37.5 लाख वहां आप बचाते हैं। और बीबी का हम मान लेते हैं, एमआरपी का आधा भी अगर बीबी मान ले
तो 2.5 करोड़ का आधा नहीं, उससे भी हम कम मान रहे हैं। 2.5 करोड़ का 1 करोड़ भी बीबी हो तो 10% भी माने तो 10 लाख, यानी कि पूरे लाइफ में लगभग 50 लाख रुपया, यानी दोस्तों एक क्लास 3 क्लास 4 के कर्मचारी जीवन भर नौकरी करके जितना रिटायरमेंट में लेके नहीं आते, उतना तो आप सामान खा के बचा लेंगे। तो पहला फायदा ये है। अब यदि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो दोस्तों यदि आप प्रोडक्ट खाइए और यदि अच्छा लगा तो अपने लोगों को बताइए, और जब आप बताना शुरू करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, आपका बिजनेस शुरू होता है। तो आप सोच के देखिए, कहीं भी करोड़पति बनना है तो आपको काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। 20,000 25,000 50,000 कमाने के लिए लोग 8-8 घंटा काम करते हैं और अपने बॉस का गाली भी सुनने को तैयार रहते हैं। उनके हिसाब से कोई उनका जिंदगी नहीं चलता, छुट्टी मिलेगा तो घर जाएंगे, नहीं मिलेगा कंटिन्यू काम में लगे रहेंगे। तो दोस्तों यदि अपने आप को फ्रीडम देना चाहते हैं आप, यदि अपने परिवार को सिक्योरिटी देना चाहते हैं आप, तो एक व्यक्ति को भी आप डेली प्लान दिखाते हैं। देखिए वो आता है या नहीं आता है इससे मतलब नहीं है, आपको काम करना है। क्या काम करना है, डेली एक को बताना है और बोलना है कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट तुम खा के देखो, कुछ प्रोडक्ट उनको एज ए सैंपल खिलाना है, लेकिन मुफ्त में नहीं खिलाना है दोस्तों, क्योंकि मुफ्त के चीजों का कोई रिजल्ट नहीं आता। तो 200 बीबी का प्रोडक्ट बोलिए कि भाई खाओ, अच्छा लगे तो आओ, नहीं लगे मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्राई करने में जाता क्या है। और दोस्तों एक व्यक्ति को डेली आप बताएंगे तो साल में 365 लोगों को बताएंगे, और जब हम साल में 365 को बताएंगे तो कितने आ सकते हैं, एक अनुमान लगाए आप। तो लगभग दोस्तों यदि हम मान लें कि 365 में 10 ही आए, यानी 355 आपको ना बोल दे, और इन 10 को बोलिए कि भाई हम 365 को बताए मेरे 10 आ गए, तू भी बता तेरे भी 10 आएंगे, लेकिन अगर ये काम कर लिया तो 5 साल में तुम्हारा जो किस्मत है वो बदल जाएगा। तो दूसरे साल 100, तीसरे साल 1,000, चौथे साल 10,000, पांचवें साल 1 लाख लोग आपके नीचे, और 1 लाख आदमी यदि 5-5 हजार का सामान खरीदे साथियों, तो वो जो सामान होता है वो लगभग 50 करोड़ का होता है। आप सोच के देखिए, और जब 50 करोड़ का बिजनेस आपके नीचे होगा तो इनकम कितना आएगा सोचिए, और ये 1 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में होंगे। अब दोस्तों ये पावर है इस बिजनेस का। तो यहाँ पे सोच के देखिए, अब लोग सोचते हो यहाँ पे लोग आते हैं और 2-4 को बताएंगे और 2-4 मना कर दिया था, अरे ये होने वाला नहीं है। दोस्तों यहाँ 355 मना कर रहा है, फिर भी आप 5 साल में करोड़पति बन रहे हैं। तो देखिए अगर कुछ पाना है तो कुछ होना पड़ेगा, क्योंकि जैसा रूट होगा वैसा ही फ्रूट होगा, इस चीज को आपको याद रखना है। और दोस्तों आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिस्प्ले वॉल जैसा सिस्टम है हमारे यहाँ, जहाँ की आप किसी को प्रोडक्ट अपने डाउनलाइन को दे भी सकते हैं, उसका बिलिंग भी कर सकते हैं। और डिस्प्ले वॉल खोलने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको लोगों को प्रोडक्ट नहीं बताना होगा, जो लोग आपके यहाँ आते हैं आपसे मिलने वो देखेंगे, अपने आप पूछ देंगे भाई क्या है। और ये डिस्प्ले वाला आप छोटा का छोटा भी खोल सकते हैं जो 10,000 में, या फिर आप चाहते हैं तो बड़ा भी खोल सकते हैं रिटेल शॉप की तरह, मतलब मर्जी आपकी है, जैसा चाहे वैसा डिस्प्ले वाल खोल सकते हैं। और दोस्तों आप डिस्प्ले वाल पे ऐसा फ्लेंज जरूर लगाए ताकि लोगों को पता चले, आपके मोहल्ले वाले को पता चले कि नहीं आप मेक इंडिया हेल्दी पे काम कर रहे हैं और आरसीएम जैसा सिस्टम आपके पास है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हम काम करेंगे तो हमको फायदा क्या होना है। तो यदि आप काम करते हैं और अपने लोगों को बताना शुरू करते हैं, आपके बताने से यदि मान लीजिए आप 2 लाइन का कस्टमर लेके चलते हैं तो 2 लोग हो सकते हैं, आप 3 भी बना सकते हैं, आप 4 भी बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, मर्जी आपकी, जितना मन उतना बनाए। अब दोस्तों देखिए यदि हम बात करें बिजनेस वॉल्यूम का, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका बिजनेस यदि 20,000 होता है, एक ग्रुप 10,000 किया, दूसरा 10,000 किया, ये अकेले आप नहीं कर रहे हैं, ये लोग मिल के कर रहे हैं। और दूसरे कंडीशन में 20,000 में क्या फायदा होगा यदि 3 लेग पे करते हैं तो, और 4 लेग पे करते हैं तो क्या फायदा होगा, इस बात को हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो देखिए एक तरफ 10-10 हजार का बिजनेस, यानी 10,000 पे जो हम आपको दिखाए थे इंसेंटिव, उसके हिसाब से यहाँ कमीशन स्लैब कौन सा ये यूज हुआ है, तो 5,000 से नीचे वाला यानी 10%, 5,000 से ऊपर 12%, और 10,000 पे 14%, 20,000 पे 16%। तो दोस्तों यदि इस हिसाब से बिजनेस होता है तो देखिए कमीशन का गणना कैसे किया जाता है। अब चूंकि 20,000 का 16.5% 3,300 पूरे ग्रुप का कमीशन बना, और नीचे 10,000 का हुआ तो यहाँ बट गया 1,400, इधर बट गया 1,400, यानी 3,300 में 2,800 बट गया, और जो बचेगा वो आपके पास आ जाएगा 500 रुपया, बिल्कुल ऑनलाइन आएगा, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही बिजनेस 3 लेग में होता है तो नीचे क्या बटा 840, 960 और 600, यानी 2,400 रुपया नीचे बटा, और इसी 20,000 के बिजनेस में आपके पास 900 आएगा। और यही यदि हम 4 लेग पे करते हैं,
यहाँ जो आपके पास आएगा दोस्तों, आप जोड़ के देखिए, 3300 में से 2380 घटा दिए, आप देख लीजिए क्या आएगा। यदि हम बड़े वॉल्यूम का बात करें, यदि आपका बिजनेस बड़ा हो गया, आप कंटिन्यू काम करते रहे, आप 3.5 लाख के स्लैब पे आ गए, जिसको भी हम लोग लीडरशिप अचीवर बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या फायदा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए ये 1/15 के स्लैब पे है, तो 1/15 पे यदि हम 2 लाख पे काम करते हैं तो हमारे पास जो कमीशन आता है, यदि 1,45,070 है तो 4,000, तो तीसरे यदि 3 लाख पे 1/15 का बिजनेस करे तो 5,500 आ सकता है, और यदि 4 लाख पे बिजनेस करे तो दोस्तों देख लीजिए, बिजनेस तो उतना ही है लेकिन कमीशन क्या होता है, कमीशन यहाँ पे आपका बदल जाता है, लेक के कंस्ट्रक्शन पे 7,000 का कमीशन यहाँ पे आ जाता है यदि आप 3 लेग पे काम करते हैं। तो ये फायदा है दोस्तों मल्टी लेग पे काम करने का। यदि हम बड़े बिजनेस वॉल्यूम की बात करें 3.5 लाख का, तो देखिए यदि हमारा 3.5 लाख का बिजनेस हुआ तो ग्रुप कमीशन 1,12,000 बटेगा, नीचे एक ग्रुप में 81 बटा, एक में 15 बटा, क्योंकि 2,80,000 का क्या होगा, 2,80,000 का ग्रुप कमीशन जो होगा दोस्तों वो 29%, तो 29% 81,200 इधर बट गया, और 70,000 पे जो कंपनी कमीशन देती है हमारे यहाँ स्लैब के हिसाब से, वो 21% 15,050 यानी कि 96,250 नीचे बटा 1/12 में 96 माइनस हो गया, 15,750 आपको मिलेगा यदि 2 पे काम करेंगे तो। यदि 3 पे काम करेंगे तो नीचे बट रहा है कितना, आप देख लीजिए 85,000, और आपके पास आएगा 27,000, और यदि 4 लेख पे काम करते हैं दोस्तों तो यहाँ जो आपके पास आने वाला कमीशन होगा, आप देख लीजिए कि ये कमीशन जो मिलता है दोस्तों 32,250। बिजनेस तो उतना ही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हमसे 2 ही नहीं हो रहा है तो 3 कैसे करेंगे। दोस्तों जितना बड़ा रिस्क लेंगे, जितना बड़ा जिम्मेदारी लेंगे, उतना बड़ा फायदा भी आपको मिलने वाला है। साथ में इस बिजनेस का ग्रेट अपॉर्चुनिटी क्या है, अनलिमिटेड इनकम पाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको, असीमित अवसर मिलता है, पूंजी कुछ नहीं लगता, आप अपनी जरूरत के सामान को खरीदते हैं, बिजनेस चालू हो जाता है। रिस्क, जब पूंजी नहीं है तो रिस्क कैसा रहेगा। साथ में आपके ऊपर वाले का सहयोग आपको मिलता है, कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कोई स्टाफ नहीं चाहिए। साथ में आरसीएम बिजनेस करने का ग्रेट अपॉर्चुनिटी क्या है, दुकान खोलने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं, लॉस होगा कंपनी को तो आपको पॉकेट से नहीं देना है, आपको कोई भी एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो भी व्यक्ति अपना सामान खाते हैं और जो भी बोल सकते हैं वो व्यक्ति इसमें आ सकते हैं, चाहे औरत हो, बुजुर्ग हो, विद्यार्थी हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। साथ में पूरे देश में कहीं भी काम कर सकते हैं। अब इसमें काम करने का फायदा क्या है दोस्तों, तो अतिरिक्त आमदनी आपको मिलेगा, आपका अपना बिजनेस है, जब मन तब कीजिए, नहीं मन करे आप बैठे रहिए, खाली समय का सदुपयोग है, जो आप समय टीवी सीवी देखने में, पेपर पढ़ने में, दोस्तों से कब भागने में बर्बाद करते हैं, वो समय यहाँ पे देना है। आपका सेल्फ डेवलपमेंट होता है, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे कल हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम था, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग किए उज्जवल पटनी जी का, तो ऐसा ऐसा ट्रेनिंग कंटिन्यू आपको मिलेगा, आपके अपलाइन के सहयोग से आपको ट्रेनिंग मिलेगा, नए लोगों से मेलजोल। आज बहुत सारे लोग हमको नहीं जानते होंगे लेकिन जो वेबिनार में आए हैं उनको पता है कि कोई मंजीत सिंह है जो पटना के हैं, तो नए लोगों से मेलजोल, और सबसे बड़ी बात आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बिजनेस प्लेटफॉर्म छोड़ के जाना, यानी कि आपका कोड डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है आपके जाने के बाद आपके नॉमिनी को, यानी कि आपका अगला पीढ़ी कुछ करे भी नहीं, आपके किए हुए काम का फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में यदि सक्सेस चाहिए, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देखिए फेलोर वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपको फोकस सक्सेस वाले पे रखना है कि जो सफल हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में, जो सफल हुआ आरसीएम में, वो कैसे हुआ। तो सबसे पहला वो व्यक्ति काम क्या किया दोस्तों, सीखना चालू किया। दूसरा काम क्या है, थोड़ा थोड़ा समय देना चालू किया। तीसरा काम क्या है, इच्छा शक्ति होना चाहिए। देखिए जब तक अमीर बनने का इच्छा शक्ति आपके अंदर नहीं होगा, धक्का देकर कोई अमीर नहीं बना सकता। आप सोचेंगे कि हम 9 बजे सो के उठे, आप सोचेंगे कि दिन भर में 4-5 मूवी टीवी पे देख ले, या फेसबुक पे फ्रेंड से गप हाँक ले, रात में 2-2 बजे तक यूट्यूब पे फंसे रहे, तो दोस्तों ऐसे लोग अमीर नहीं बनते। अमीर बनना है तो थोड़ा सा उन सब समय का सदुपयोग आपको इस बिजनेस पे लगाना होगा, और आपके अंदर इच्छा शक्ति चाहिए। और देखिए इच्छा शक्ति ही आपको आपके जीवन में कामयाबी की तरफ लेके जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर आज है तो उनके अंदर इच्छा हुई कि हम मास्टर बन जाते हैं, कोई डॉक्टर है तो उनके अंदर इच्छा हुई कि हम डॉक्टर बन जाते हैं, कोई कलेक्टर है तो उनके अंदर इच्छा हुई कि हम कलेक्टर बन जाते हैं, वो बन गए। तो दोस्तों आपके अंदर इच्छा है कि हम अमीर बन जाए, तो आपको भी अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। साथ में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी बोल के गए हैं, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, यानी कि इस
सिस्टम में आपको सफल होना है तो थोड़ा सा आपको कर्म करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बिना कर्म का कुछ नहीं। बहुत सारे लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और ऊपर वाले से बोलेंगे ऊपर वाला हमारा कुछ कर दे। तो देखिए सक्सेस क्या है दोस्तों, ये सफलता का जो दरवाजा है वो कैसा होता है, वो बैंक के लॉकर के जैसा होता है। आप लोगों में से कोई लोग लॉकर को जानते होंगे या आप लॉकर लिए होंगे तो आप देखे होंगे दो चाबियां होती है, एक आपके पास एक बैंक मैनेजर के पास। अब बैंक मैनेजर अपना चाबी लॉकर में घुसा दे, खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। और आप जाके अपना चाबी घुसा दीजिए, खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। जब तक दोनों चाबियां लॉकर में नहीं जाएगी तब तक लॉकर खुल नहीं सकता। तो दोस्तों आपके भी सक्सेस रूपी लॉकर का जो दरवाजा है ये दोनों चाबी से खुलेगा, और एक चाबी है जो आपके पास है जिसको कि हम कर्म बोलते हैं, और एक चाबी है जो ऊपर वाले के पास है जिसको कि हम भाग्य बोलते हैं। तो दोस्तों आप देखे होंगे मैनेजर तो हमेशा चाबी लेके तैयार रहता है भाग्य वाला, बस कस्टमर बैंक पहुंचता है मैनेजर तो डायरेक्ट लगा देता है। कभी बोला क्या कि हम नहीं लगाएंगे, तो ऊपर वाले तो चाबी लेके भाग्य वाला तैयार है, लेकिन आपको कर्म रूपी चाबी लेके जाना होगा, तब जाके सक्सेस का दरवाजा आपका खुलेगा। और साथ में सबसे बड़ी खासियत इस बिजनेस का, दूसरों को लेकर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। यदि आप दूसरों का भला नहीं कर सकते, देखिए आदरणीय सुजीत सर बताए थे अपने मीटिंग में कि इस बिजनेस में सफल होना बहुत आसान है, क्या करना है, अपने नीचे दो लोगों का जिम्मेदारी ले लीजिए, दो चार लोगों का जिम्मेदारी ले लीजिए कि हमें इनके घर में पैसा पहुंचाना है, हमें इनको अमीर बनाना है, और आपके नीचे वाले अमीर बन जाएंगे तो आपको अमीर बनने से कौन रोक सकता है। तो दोस्तों ये हमारा आरसी बिजनेस की पूरी जानकारी थी आपके पास, और इसी के साथ हम अपने बातों को यहाँ पे समाप्त करेंगे। थोड़ा टाइम हम ज्यादा ले लिए क्योंकि आज हमारे पास हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम, हरित संजीवनी जैसा अनोखा प्रोडक्ट, 100% गारंटेड प्रोडक्ट, बहुत ही आरसीएम का ताकतवर प्रोडक्ट बताने के लिए पंकज सर हमारे बीच में हैं। तो अब बिना देर किए हुए आपके जोरदार तालियों के बीच में हम बुलाना चाहेंगे पंकज सर को। तो पंकज सर वेलकम है आपका हमारे आज के वेबिनार में। थैंक यू सर, मंजीत सर बहुत शानदार, टचवुड बता रहा हूँ, आज मैंने पहली बार आरसीएम का प्लान देखा, और आप विश्वास नहीं करेंगे अभी लगभग लगभग हमारे साथ में 300 लोग हैं। मैं आपको गारंटी बता रहा हूं 300 लोगों ने आपका ये प्रोग्राम सुना हो या ना सुना हो, स्टार्टिंग से लेके टिल एंड तक अभी तक मैंने आपकी एक एक बात सुनी और एक एक बात को नोट भी किया, बहुत मजा आया। सही में मेरे को नहीं मालूम था कि आरसीएम बिजनेस में इतना मतलब पावर है, इतना इनकम भी है और इतनी आसानी से किया जा सकता है, मैंने कभी नहीं सुना। मेरे को बहुत बार प्रहलाद जी ने हम लोग फ्लाइट में एक साथ थे तो चर्चा करते थे, और भी बहुत हमारे सीनियर साथी जो है वो चर्चा करते थे, तो मैंने कभी ये प्लान नहीं देखा, टचवुड वो बात ही किए हैं, लेकिन आज मैंने ये प्लान देखा आपका, बहुत मजा आया रियली टचवुड। इसके बाद ना सच में मैं बता रहा हूं मंजीत सर, मेरे को बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं यार हरित संजीवनी का अभी आपको ट्रेनिंग दूं, वो इसलिए क्योंकि खूब सारा आइसक्रीम खा लेने के बाद अगर कोई बोले कि गुड़ का शरबत पी लो तो जैसा टेस्ट मुंह में आएगा वैसा हो जाएगा। मतलब आपने जो इतना प्यारा एक एक चीज को समझाया है, टचवुड रियली कोई इतना नहीं समझाता इतनी बेहतरीन तरीके से, इसीलिए शायद आरसीएम दिन दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आपका जो वो एक शब्द था ना साथ में लेके चलने वाला, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और यही कारण है मेरे को अब समझ में आया आरसीएम क्यों आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब देखिए लीडर्स के दिल में ऐसी भावना होगी तो नेचुरली है टीम आगे बढ़ेगा सारे चीज, और इतनी प्यारी सोच आप लोगों की है कि आज देखिए मैं आरसीएम का बंदा नहीं हूं लेकिन आज पहली बार मैंने आरसीएम का लीडर को पूरा सुना। प्रोग्रामों में भी जाते थे ना तो लीडर ऊपर प्रोग्राम बताते थे और हम मोबाइल में ऑफिस का काम करते रहते थे, फिर जब हमें स्टेज पे बुलाया जाता था कि पंकज सर कम ऑन द स्टेज तो फिर स्टेज पे जाके अपनी बात करते थे, लेकिन आज थैंक यू ये प्रोग्राम बताने के लिए आपको कि
कि मेरी दिमाग के नसें खुल गई कि ऐसा भी होता है वाकई में। शानदार रहा आज का प्रोग्राम। थैंक यू पंकज सर। और साथियों मैं बता दूं, देखिए पंकज सर का बड़प्पन है, बाकी आरसीएम का जो वजूद है वो आरसीएम के प्रोडक्टों के वजह से है, क्योंकि हमारे पास हरित संजीवनी जैसा दमदार प्रोडक्ट है। और मैं आपको बताऊं कि अभी आप लोग देखेंगे कि क्या ताकत है उसके अंदर। लेकिन हम नासिक जाके अपना प्लांट घूम के आए हैं दोस्तों, जैसा कि हम आपको अपने ये मार्केटिंग प्लांट में भी बताते हैं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं खुद के प्लांट में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो वहाँ का जो व्यवस्था है, वहाँ का जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और सबसे बड़ी बात कि जो पंकज सर है, पंकज सर की हम बात करें या सिरोडे सर की बात करें या राउत सर की बात करें, तो दोस्तों ये जो हमारा चौथा पॉइंट था कि हमेशा दूसरे के विषय में सोचे, तो हमसे ज्यादा इनके अंदर वो चीजें हमको देखने को मिलती है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना जानदार और शानदार प्रोडक्ट हमें दिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मैं आया हूँ। वो इसलिए आया हूँ क्योंकि लोगों के दिलों में बहुत सारी गलत वहमियां हैं हरित संजीवनी के एप्लीकेशन को लेके, क्योंकि अभी हम लोग ऑफिस में भी बैठ के बातचीत कर रहे थे और R&D वर्क हो रहा था, तो जब RCM के डिस्ट्रीब्यूटर जो ग्राउंड में काम कर रहा है, मतलब खेतों में काम कर रहा है, उसके दिलों में बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां बैठी हुई है, जिसके कारण बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जो है हरित संजीवनी का मारा जा रहा है। आप लोगों के जो बोलना चाहिए टर्नओवर हो रहा है, जैसे मंजीत जी की बात करूं, सुजीत जी की बात करूं, करोड़ों का टर्नओवर है आप लोगों का, तो ये करोड़ों के टर्नओवर में कुछ लाख बिजनेस वॉल्यूम जो है हरित संजीवनी का जो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा, क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छी तरीके से हरित संजीवनी के एप्लीकेशन को समझ नहीं पा रहे। तो आज का ये जो प्रोग्राम है उसी चीज को लेके मैं आपके सामने आया हूं। और मैं प्रोग्राम मंजीत सर के प्रोग्राम के बीच में देख रहा था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हो रहा है, बहुत गजब का प्रोग्राम हो रहा है, मजा आ रहा है। मैं गारंटी बता रहा हूं वो बंदा प्रोग्राम में उसका ध्यान नहीं था, है ना, आप समझ सकते हैं ना, ये मनोवैज्ञानिक है कि वो आदमी जो है जो ये कमेंट कर रहा था वो प्रोग्राम को सुन नहीं रहा था। अगर मैं बता रहा हूं कि मैं जैसे तल्लीनता के साथ में आज मंजीत जी को सुन रहा था, तो मेरी उंगली काम नहीं कर रही थी आगे कुछ लिखने के लिए, है ना। मतलब आपको कोई भी चीज अगर सुनना है तो उसके अंदर घुस जाना है, है ना। संजय झा जी को भी देख रहा था कि कंटिन्यूसली वो आपकी बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उषा मैडम, उषा शर्मा जी को भी मैं देख रहा था, कंटिन्यू आपका प्रोग्राम सुन रहे थे। ऐसे कई साथी थे जो प्रोग्राम सुन रहे थे, लेकिन कई साथी ऐसे थे जो आ रहे थे, जा रहे थे, बैठ रहे थे, लेट रहे थे, खा रहे थे। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे कुछ लोग जो हैं जो ध्यानपूर्वक बिजनेस को समझ रहे हैं वो बहुत आगे तक जाएंगे। इसको डेडिकेशन बोलते हैं दोस्तों, और इस बिजनेस में डेडिकेशन सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो चलिए आज का ये प्रोग्राम अपन स्क्रीन शेयर के माध्यम से फटाक से बिल्कुल देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। और डायरी पेन अगर आपके पास में है तो वो जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी बातें आज मैं आपको क्लियर करूंगा। हरित संजीवनी टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत खुशी होगी कि हरित संजीवनी की जो टीम है वो दिन रात आपके लिए काम कर रही है। दोस्तों दिन रात आप हरित संजीवनी की टीम को मंजीत जी फैक्ट्री होके आए हैं वो जानते हैं। हमारे टीम का मतलब ये है कि हमारे फैक्ट्री के गेट में बैठा हुआ चौकीदार से लेके हमारे कंपनी के जो मालिक है मिस्टर प्रदीप कोथावड़े साहब, वो तक सारे लोग आपको आज इस प्रोग्राम में वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको बता दूं बहुत शॉर्ट ये प्रोग्राम रहेगा, लेकिन जहां पर मैं आपको बोलूंगा नोट करिए,
तो वो बात जरूर नोट करिएगा क्योंकि आगे आपको काम आने वाला है। दोस्तों हरित संजीवनी का वेबसाइट नोट कर लीजिए, www.haritsanjeevani.in, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आज हरित संजीवनी में काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं, उनको अगर किसी प्रकार का कोई भी फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना है तो haritsanjeevani.in के क्रॉप शेड्यूल CROP CROP SHEDUL शेड्यूल, आपको क्रॉप शेड्यूल में जाके क्लिक करना है। वहां पर आपका फील्ड क्रॉप और फ्रूट क्रॉप यह आएगा। इसको छोटे छोटे आपके लिए स्लाइड दिए हुए हैं वहां पर, वो स्लाइड को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, आपको पूरा एप्लीकेशन पता चल जाएगा उसमें कितने प्रकार के रोग कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया फंगस लगते हैं, उसकी दवाई उसका उपचार पूरा दिया हुआ है, बाजार की दवाई कौन सी डलेगी और हरित संजीवनी के प्रोडक्ट क्या डलेंगे, ये आपको जानकारी होना जरूरी है। ये मिलेगा आपको haritsanjeevani.in पे। सुबह से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे चाय पत्ती की इंक्वायरी खूब आ रही है, चाय बगान की, बंगाल के ऊपर जो है ये आपका सिलीगुड़ी वाला एरिया, यहाँ पर चाय बगान की खेती होती है, साथ ही साथ अनानास लगता है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ जरूर पहुंचो वहां पर, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस आपका वहां पर भी इंतजार कर रहा है। चाय का बागान अछूता पड़ा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के कुछ लीडर जाके वहां पर काम कर रहे हैं, कुछ बंगाल के लीडर काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप लोग भी वहां पर पहुंच के काम करिए जरूर। तो चाय बगान को लेके बार बार उसका बेचारे का इंक्वायरी आ रहा था कि सर रेड माइट का अटैक हो रहा है, तो दोस्तों मैंने उसको सीधा चाय का पीडीएफ भेज दिया कि ये चाय का पीडीएफ अच्छे से पढ़ लो, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो मैं आपको भी बताता हूँ haritsanjeevani.in के क्रॉप शेड्यूल पे जरूर जाके आप इसको सर्च कर लीजिएगा। चलिए दूसरा मेरा जो आज का मुख्य है वो है मिशन सितंबर। दोस्तों मिशन सितंबर का मतलब क्या है? मिशन सितंबर का मतलब है आपका टारगेट मंथ। आपको रॉयल्टी, आपको टेक्निकल, आपको एमराल्ड, आपको स्टार एमराल्ड, आपको रूबी स्टार रूबी जाना है, उसका लास्ट जो आपका प्रयास है वो खत्म होगा आपका सितंबर मंथ का। तो आपकी शुरुआत आज से हो गई है, आज से, आज कितनी तारीख है, आज अगस्त महीने की 13 तारीख है और इस तारीख से आपकी आज के प्रोग्राम की शुरुआत होगी दोस्तों आपके बिजनेस की, क्योंकि आपको बहुत बड़ा छलांग लगाना है। और मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, हरित संजीवनी के प्रोडक्ट और हरित संजीवनी का टीम आपको ये वादा कर सकता है या वादा करता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐसा है हरित संजीवनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आपको सिंगल एक प्रोडक्ट आपको रूबी स्टार रूबी तक लेके जा सकता है। सिर्फ आपको कमर कसना होगा, बांधना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा और खेतों में उतरना पड़ेगा। आप अगर कीचड़ में चलना पसंद करते हैं, अगर आपको खेत खलियान पसंद है, आपको गांव पसंद है, आपको चिड़ियों की चहचहाट पसंद है, आपको रहट की आवाज पसंद है, आपको नहर पसंद है, आपको लहलाता खेत पसंद है, तो आपको बहुत बड़ा बिजनेस आपका होने वाला है दोस्तों। आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए और मेरा साथ ले लीजिए, हरित संजीवनी टीम का साथ कभी नहीं छोड़ना और कभी हरित संजीवनी टीम भी आपको नहीं छोड़ती, यह वादा करती है आप लोगों को। मिशन सितंबर, दोस्तों खरीफ सीजन जो आज का मुख्य आकर्षण है वो है खरीफ सीजन। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों, नोट करिएगा, मई 15 मई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। मई चली, जून, जुलाई, अगस्त, ये खरीफ सीजन चलेगा। इसमें धान, कपास, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, मट, अरहर, मूंग, मटर, राजमा, सब्जियां, केला, अनार, संतरा आदि सारी फसलें लगाई जाती है। बहुत बड़ा सीजन कहलाता है, हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी का लगभग 1/3
जो बिजनेस है एक तिहाई आमदनी है इनकम है वो खरीफ सीजन लेके आता है। अगर विश्वास ना हो तो बाजार में किसी भी दुकानदार के पास जाना और उसका चेहरा देखना, अगर उसका चेहरा बहुत खिला हुआ है तो समझ ले जाना बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और चेहरा अगर उदास है तो उसका बिजनेस ठीक नहीं है। आप उससे जाके पूछेंगे तो आपको वो बताएगा कि इस बार का जो फसल है, इस बार का सीजन है, वो खराब हो गया है दोस्तों, और पैसा मार्केट में आएगा नहीं, और किसका पैसा मार्केट में नहीं आएगा तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। तो हम लोग कृषि पे आधारित देश पे रहते हैं, जिसको हम कृषि आधारित देश बोलते हैं। तो कृषि पे आधार है हमारा बिजनेस, 12 महीने लगने वाली फसल है, बहुत सारी टमाटर, बैंगन, मिर्ची, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बरबटी, लौकी, करेला, कुमड़ा जिसको कद्दू बोलते, मेथी, पालक, धनिया पत्ती, लाल भाजी, गाजर, खीरा, सारी ये 12 महीना हो रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्रोडक्ट है इस मिड मंथ में इस समय पे क्या काम कर सकता है, काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अपने जो प्रोडक्ट है वो दो पार्ट में काम करते हैं, एक है सॉइल हेल्थ और दूसरा है प्लांट हेल्थ, आप लोगों को मालूम है। और तीसरा प्रोडक्ट जो आ रहा है वो है वाटर हेल्थ, पानी का, RCM मिला, ये लॉन्च हो जा दीजिए, 10 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च जैसे ही हो जाएगा आपको इसका PDF लेके आपके पास प्रोग्राम में जरूर मैं आऊंगा। आपका आज का जो मेरे को बताना है वो ये बताना है कि अगर किसी किसान का खेत पे फसल खड़ी है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर कोई किसान ऐसा है जिसके पास आज हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचा, उसकी फसल खेत पे खड़ी है और हमको उसको हरित संजीवनी देना है, तो क्या वो दे सकता है या नहीं दे सकता। 99% लोग, मंजीत सर, 99% जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आपको जवाब देंगे नहीं दे सकते, क्योंकि हरित संजीवनी का जो उपचार है वो शुरुआत से करना पड़ता है। ये गलत धारणा है, इसी को आज मैं आपको बताने आया हूं, कट करने आया हूं। दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है सॉइल हेल्थ के ऊपर काम करता है, स्टेज नंबर 1, और दूसरा है सॉइल हेल्थ, नोट करिएगा, सॉइल हेल्थ स्पेशल और हरित संजीवनी प्रक्रिया 1, ये मिट्टी के स्वास्थ्य को काम करता है उसके ऊपर। इसको आप कभी भी दे सकते हैं खेतों में, कभी भी मतलब कभी भी, अभी भी दे सकते हैं। अगर आपकी फसल खड़ी है और आप उपचार करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आप बोलोगे कि मेरे को हरित संजीवनी का इस्तेमाल करना है अपने खेत में, तो वो आपको मना कर देगा, बोलेगा नहीं इसको शुरुआत से डालना पड़ता है जब हम पौधे को लगाते हैं। सही बात है, लेकिन अगर वो चाहता है कि वो अभी डालना चाहे तो नहीं डाल सकता क्या? डाल सकता है। आप अपना बिजनेस क्यों छोड़ते हो? मैंने तो बताया, अगर किसी प्रकार की समस्या तो मेरे से बात करो, मैं आपको उसका समाधान बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के हमारे पास कॉल आ रहे हैं अभी कि सर हमारे खेत में, पड़ोसी का जो खेत है उसका धान लगभग 3 फीट का हो चुका है, और अभी वो हमारा खेत देख के हरित संजीवनी इस्तेमाल करना चाहता है, तो क्या सर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप दो उसको सॉइल हेल्थ डलवा दो जमीन में, और दूसरा नंबर का स्प्रे करवा दो, दूसरा नंबर अगर हरित संजीवनी आपने नहीं लिया, मान के चलिए आपने हरित संजीवनी नहीं लिया, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसी अवस्था में आपको करना ये पड़ेगा, स्प्रे मैक्स देना है उसको। अच्छा, स्टेज नंबर 2 जो है वो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है स्टैंडिंग क्रॉप पे,
उसके साथ ध्यान पूर्वक, ये कंपलसरी है दोस्तों, स्प्रे मैक्स 1 लीटर एक पानी में 1 ml मिलाना है। दूसरा मिलाना है डिफेंड, कंपलसरी बिल्कुल मिलाना ही है, चाहे कोई भी फसल हो। जैसे स्प्रे मैक्स मिलवाते हैं ना, वैसे आप डिफेंड मिलवाइए 2 ग्राम 1 लीटर पानी, उसी पानी में डिफेंड को, फिर उसी पानी में रैपिड 2 ml 1 लीटर पानी। आप नोट कर रहे हैं ना? अब हरित संजीवनी नहीं दिया हमने तो फिर हम क्या डलवाएं? अपन डलवाएंगे फ्रूट स्पेशल। अगर आपने शुरू से हरित संजीवनी प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की है तो आप वृद्धि की अवस्था में फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम 1 लीटर पानी में दे सकते हैं उसके ग्रोथ लाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा, अगर फूल की अवस्था में हम पहुंचे और किसान के खेत में फूल फल आने लगा है तो क्या करोगे? 3 नंबर का स्प्रे करना है 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। अगर 3 नंबर नहीं है तो स्प्रे मैक्स 1 ml 1 लीटर पानी, डिफेंड 2 ग्राम 1 लीटर पानी, ये कंपलसरी प्रोडक्ट है। साथ में रैपिड 2 ml 1 लीटर पानी। ये 3 जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं ये कॉमन प्रोडक्ट है। किसी को भी, कोई भी किसान को कोई भी प्रोडक्ट देते हो, स्प्रे मैक्स डिफेंड रैपिड कंपलसरी देना है। समझाना है क्यों लेना है उसको। तो बहुत बार बहुत सारे प्रोग्राम में हमने आपको समझाया कि डिफेंड क्यों इस्तेमाल करना है, रैपिड क्यों इस्तेमाल करना है। डिफेंड का काम है हमारे खेतों में जो फंगस लगते हैं उनको आने से रोकता है, क्योंकि ये काम करता है पौधों के शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में। क्लियर हुआ? ये हो गया डिफेंड। दूसरा स्प्रे मैक्स, स्प्रे मैक्स का काम इंजेक्शन का जैसा है, किसी भी दवा को लेता है अपने साथ और पौधों के शरीर के अंदर घुसेड़ देता है। जैसे अपन वैक्सीन लेने जा रहे हैं ना अभी, तो वैक्सीन में इंजेक्शन से वो वैक्सीन को अंदर डाला जा रहा, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, इसको शरीर के अंदर इंजेक्शन के थ्रू डाला जा रहा। तो वो जो इंजेक्शन काम करता है वैक्सीन को अंदर ले जाने का, उसी तरीके से खेतों में स्प्रे मैक्स काम करता है दवाओं को अंदर पहुंचाने में। स्प्रे मैक्स कंपलसरी, ध्यान रखिएगा। अब अगर फूल और फल का ग्रोथ चाहिए किसी किसान को और आप पहुंचे हैं उसके पास अभी, तो उसको कौन सा प्रोडक्ट देंगे? हरित संजीवनी नहीं, उसको देंगे अपन फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। दोस्तों दिमाग को क्लियर रखना, आपका बिजनेस मारा नहीं जाना चाहिए, किसी को मना नहीं करना। आपके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो स्टैंडिंग क्रॉप में भी दिए जा सकते हैं या देते हैं, बहुत बेहतरीन, आपको इसका फायदा दिखेगा, किसान को भी दिखेगा। इसके बाद चौथा, फलों का विकास, जब फ्रूट डेवलपमेंट होता है, इसको धान में भी दे सकते हैं दोस्तों फ्रूट स्पेशल को। अभी जो भी कंडीशन में धान है या मक्का है, ज्वार बाजरा, जो भी आपके एरिया में है आप दे सकते हैं। तो 4 नंबर 1 ग्राम 1 लीटर पानी को हरित संजीवनी का चौथा पैकेट। अगर आपने हरित संजीवनी नहीं दिया तो क्या देना है? आपको देना है स्प्रे मैक्स, उसको देना है डिफेंड, उसको देना है रैपिड और साथ में फ्रूट स्पेशल। कॉमन प्रोडक्ट है दोस्तों फ्रूट स्पेशल सभी फसलों में। मंजीत सर लगभग 500 प्रकार के फसलों में फ्रूट स्पेशल को दिया जाता है, 500 प्रकार के। और बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में
जो डिस्ट्रीब्यूटर आज यहाँ पर बैठे हैं उन राज्यों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप देखिएगा आपके राज्य में 60 से 65 प्रकार की फसल लगाई जाती है। तो मैं तो आपको बोल रहा हूं 500 प्रकार के फसलों में दिया जाता है, चाहे वो भाजी क्यों ना हो। भाजी मतलब पालक की भाजी, लाल भाजी जो खेतों में होती है, हमारे घरों में बनती है, उन भाजियों में भी आप डिफेंड रैपिड स्प्रे मैक्स और फ्रूट स्पेशल का हर चौथे दिन में स्प्रे कर सकते हैं। क्रॉप का उम्र के हिसाब से आपको डिवाइडेशन करना है। तो ये हो गया दोस्तों जानकारी आज की। तो मैं आपको बता देता हूं, किसी भी किसान को आप जब प्रोडक्ट देते हो तो सिंगल प्रोडक्ट नहीं देना है, कॉम्बो पैक देना है। कॉम्बो पैक का मतलब उसको एक एकड़ का अगर प्रोडक्ट देना है तो पूरा देना है। क्या क्या देना है? या तो हरित संजीवनी देना है, तो हरित संजीवनी के साथ क्या देंगे आप? देंगे स्प्रे मैक्स, डिफेंड, रैपिड हरित संजीवनी के साथ। और अगर आपने हरित संजीवनी नहीं दिया उस किसान को तो क्या देना है? उसको देना है सॉइल हेल्थ, फ्रूट स्पेशल, डिफेंड रैपिड स्प्रे मैक्स। डिफेंड रैपिड स्प्रे मैक्स जो है ये एसेंशियल प्रोडक्ट है फॉर प्लांट प्रोटेक्शन, पौधे के रोग और कीड़ों से बचाव के लिए इसको इस्तेमाल कराना होगा। दोस्तों बिजनेस वॉल्यूम की अगर बात करूं तो पागल हो जाएंगे पागल। कैसे? हरित संजीवनी 900 बिजनेस वॉल्यूम, आपका सॉइल हेल्थ स्पेशल 675 बिजनेस वॉल्यूम, फ्रूट स्पेशल में 675 बिजनेस वॉल्यूम, स्प्रे मैक्स 500 ml का 288 बिजनेस वॉल्यूम। ये टोटल जो ऊपर का चार पैक है अगर आप किसान को देते हो तो उसमें बिजनेस वॉल्यूम आता है 1863। और विदाउट हरित संजीवनी, किसी को अगर हरित संजीवनी का डब्बा नहीं दो तो सॉइल हेल्थ, फ्रूट स्पेशल और स्प्रे मैक्स, इसका बिजनेस वॉल्यूम कितना आता है? यह आता है 1638 बिजनेस वॉल्यूम। दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मंजीत सर को मैं स्लाइड भेज दूंगा, तो ये स्लाइड का जो कॉपी है ये आप लोगों को भी मिल जाएगा। एसेंशियल प्रोडक्ट प्लांट प्रोटेक्शन के लिए आपको एक एकड़ में मिनिमम 2 पैकेट डिफेंड देना होगा, 1 रैपिड का आधा लीटर का बोतल देना होगा, स्प्रे मैक्स की 2 बोतल देनी होगी। इसका टोटल कॉम्बो पैक जो है वो 2120 बिजनेस वॉल्यूम होगा। तो ऊपर और नीचे वालों को दोनों को मिला के अगर हम देते हैं तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम होगा आपका 3983 बिजनेस वॉल्यूम एक एकड़ का एक किसान का होगा, एक किसान का। और अगर हरित संजीवनी नहीं दिया तो हरित संजीवनी हटा देंगे तो वो बनेगा 3758 3758 बिजनेस वॉल्यूम। अब मजे की बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, मान के चलिए कोई एक ऐसा इमराल्ड है या कोई एक ऐसा टेक्निकल अचीवर है या कोई एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है या रॉयल्टी है जिसके टीम में 10 लोग ऐसे हैं जो डेली हरित संजीवनी में काम करते हैं। जैसे अभी मंजीत सर बता रहे थे, मैं उनका प्लान सुन रहा था, मिनिमम एक घंटा आपको आरसीएम के लिए निकालना होगा अगर आपको आरसीएम में सक्सेस होना है तो। मैं बोलता हूं चलो वो एक घंटा अगर आप हरित संजीवनी में किसी किसान के खेत पे अगर उसको देते हैं और वो अगर तैयार हो जाता है तो क्या होगा? 4000 बिजनेस वॉल्यूम एक किसान इंटू 10 लोग काम कर रहे हैं तो 4000 इंटू 10 कितना हुआ?
40,000 एक दिन में, 40,000 बीवी, 40,000 × 30 तीस दिन काम करेंगे ना तो एक महीने में कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ? 12,00,000 बीवी। दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जैसे मंजीत सर ने बोला कि हरित संजीवनी प्रोडक्ट गारंटेड प्रोडक्ट, आप किसान को दोगे तो गारंटेड उसको लाभ होगा। नहीं होता है आप मेरा नंबर ले लीजिए मंजीत सर से, मैं आपको पर्सनली इसके बारे में बता दूंगा। और किसान को अगर आप नहीं समझा पा रहे हो तो उससे मेरी बात करा दो, सुबह 8 बजे से सुबह 11 बजे के बीच में कभी भी आप मेरे से बात करा सकते हो किसी का भी। अगर मान के चलिए 12,00,000 बीबी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर का होता है और 10 लोग दोस्त 10 लोग टीम में काम कर रहे हैं जिनकी पूरी टीम फील्ड में जाके काम करती है, तो 12,00,000 × 10 अब मैं नहीं बताऊंगा कितना हो जाएगा, 1,20,00,000। दोस्तों 1,20,00,000 एक महीने में एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट जो कि बिकता है और किसान की जरूरत है वो आएगा। कहां आप परेशान हो रहे हो, आप कसम खा लो। देखिए देशभक्ति जो है सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए नहीं है कि खड़े होके सैल्यूट कर लिया, झंडा फहरा दिया और मेरी देश की धरती सोना उगले और आंखों में भर लो पानी गाना सुन लिया और आपकी देशभक्ति आ गई, इससे नहीं होगा। अगर आप सच्ची में देशभक्त हो तो इस मिट्टी के लिए काम करना होगा, इस धरती माँ को काम करना होगा, उसके लिए कभी महसूस करना धरती माँ आंचल फैला के आपके सामने खड़ी है कि मेरे को बचा लो। मिट्टी बंजर हो रही है लेकिन आपको फर्क नहीं है। दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि वो दिन दूर नहीं कि हमारे देश के जो नौजवान हैं और हमारे देश की जो आने वाली पीढ़ी है उसके जेब में पैसा तो भरपूर होगा लेकिन खाने को अनाज नहीं होगा। अब क्या करोगे, चाइना से प्लास्टिक चावल मंगवाओगे? सोच के देखो, आपके पास आज एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप अपनी मां को बचा सकते हो। लेकिन फिर बात घूम के आती है इच्छा शक्ति की, दृढ़ इच्छा शक्ति अगर मन में है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, जैसा कि अभी मंजीत सर बता रहे थे। दोस्तों किसी फ्रूट गार्डन में जिसके पास में फल का बगीचा है, फल लगते हैं, उसको अगर 1 एकड़ के लिए आपको फ्रूट क्रॉप के लिए प्रोडक्ट देना है तो उसको फ्रूट स्पेशल के 3 पैकेट, सॉइल हेल्थ स्पेशल के 500 ग्राम के 2 पैकेट, स्प्रे मैक्स के 0.5 लीटर के 3 बॉटल, डिफेंड का 250 ग्राम के 4 पैकेट, रैपिड 500 ml का 1 पैकेट आपको उसको रिकमेंड करना होगा, देना होगा। इसमें टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपको आएगा 6,457। बहुत सारी चीजें हैं, एक से एक प्रोडक्ट है। आप अगर मान के चलिए महिला शक्ति जो आज अपना प्रोग्राम सुन रही है वो सोच रही होगी, अरे पंकज सर तो खेतों ही के बारे में बता रहे, हम लोग कहाँ खेत में जाएंगे, हम लोग तो मोहल्ले में जा सकते हैं, अड़ोस पड़ोस को प्रोडक्ट देते हैं। जो महिलाएं रिटेलिंग कर रही हैं कीसोल में, न्यूट्रीचार्ज में, गुड डॉट में, उन महिलाओं के लिए बोल रहा हूं कि आप एक नया
इनकम जनरेट कर सकते हैं गार्डन गोल्ड से। अगर आप पर डे 5 पैकेट सेल करते हैं गार्डन गोल्ड, जो कि गमलों में देने के लिए है, खाद खाद है ये गार्डन गोल्ड, 5 पैकेट पर डे, 20 दिन अगर आप सेल करते हैं तो आपके 100 पैकेट बिकते हैं। मैडम दीदी जितने भी लोग हैं उनको बोल रहा हूं, तो 100 पैकेट सेल करते हैं और इसमें बिजनेस वॉल्यूम कितना आता है, 7,500। आपका डायमंड क्लब क्लियर सिर्फ गार्डन गोल्ड से। और 25 दिन में रिपीट करना होगा गार्डन गोल्ड को, गमलों में, छोटे गमले में 50 ग्राम, बड़े गमले में 100 ग्राम। तो ये जो गार्डन गुरु सिंगला है ये भी आपका बहुत जबरदस्त काम करेगा, आपके काम करने के उसमें। आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है हरित संजीवनी का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप हरित संजीवनी में जाएंगे तो वहां पर एक सीरीज चल रहा है गार्डन गुरु के नाम से, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको प्रोडक्ट के। जो अभी हमारे माननीय आदरणीय मंजीत सर जो बात बता रहे थे, उसका मैं आपको लास्ट कंक्लूजन बताता हूं। असिस्टेंस, हेल्प, सपोर्ट, एडवाइस और सॉल्यूशन, ये है आज के प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य। असिस्टेंस बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, हेल्प बहुत जरूरी है, सपोर्ट करना बहुत जरूरी है टीम को, टीम को एडवाइस देना बहुत जरूरी है। एडवाइस देंगे तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा और सॉल्यूशन 100% सफलता की तरफ जाता है। तो ये रहा आज का मुख्य उद्देश्य दोस्तों। ये हरित संजीवनी का कस्टमर नोहाउ है, किसान के पास अगर हम जाते हैं तो उससे किन किन बातों का जवाब लेना है हमको, तो उसके बारे में बताते बता रहा है। तो ये मैं अभी मंजीत सर को व्हाट्सअप कर दूंगा, मंजीत सर इसका प्रिंट आउट लेके टीम में इसको घुमा दीजिएगा, जो हरित संजीवनी में काम कर रहा है या करना चाहता है तो वो किसान के पास जाके उसका इंटरव्यू लेगा। तो क्या क्या पूछेगा, किसान का नाम, किसान का पता, उसका मोबाइल नंबर। देखिए डाटा आ जाएगा आपके पास कि किस किस किसान को आपने कितना प्रोडक्ट दिया है और कितना वो ले सकता है, आपने कौन सी फसल लगाई है, कितनी जमीन में लगाई है, इसको नोट करना है। फसल की बुआई कब हुई है, फलों का बागान है क्या, अगर फलों का बागान है तो कितने पेड़ है और कितने साल के हैं। फसल की बुआई के बाद आपने उसे क्या क्या दिया, जैसे रासायनिक खाद, ऑर्गेनिक खाद, फसल पर आने वाली बीमारी कौन कौन सी होती है, उसके लिए कोई दवा दिया क्या, क्या दिया, कौन सी बीमारी लगती है और क्या दिया और किस बीमारी के लिए दिया, ये जरूर लिख लीजिए। बहुत बार देखिएगा किसान उसके खेत में पेट दर्द है और वो दवा बुखार की दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं। हमारे जो कृषि विकास दुकान वाले हैं, कृषि सेवा केंद्र वाले हैं, खाद बीज की दुकान वाले, किसान को कुछ भी दे देते और किसान बेचारा लाके अपने खेतों में डाल रहा, उसके खेत में है बुखार और दवा लेके आया है वो पेट दर्द का। अब आप बताइए सर उसका काम होगा कि नहीं होगा। हंसी आती है, रोना भी आता है, रोना इसलिए कि किसान के पैसे बर्बाद हो रहे, हंसी इसलिए कि ये जो दुकान वाले हैं उनके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, इसीलिए धोखा खाते हैं।
तो दोस्तों ये आज के प्रोग्राम का आकर्षण था। हरितसंजीवनी.in वेबसाइट को भूलना नहीं, इसमें जरूर विजिट करें। अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद मर्चेंडाइज में जाइए, अगर आपको किसी भी प्रकार का वहां से प्रोडक्ट चाहिए तो ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। हरित संजीवनी का जो यूनिफॉर्म है, हरित संजीवनी का कैप और टी शर्ट मात्र 200 रुपए में आपको उपलब्ध कराया है। दोस्तों ब्रांडेड टी शर्ट है, ब्रांडेड, फटेगा नहीं। 2 टी शर्ट तो जरूर बुलवा के रखिए, खेतों में काम कर रहे। फ्री है कैप 50 रुपए का उसके साथ। तो टी शर्ट कितने का पड़ा? 150 रुपए का। दोस्तों अच्छा सा अगर आप रुमाल खरीदने जाएंगे ना, रुमाल अगर किसी बड़े कंपनी का, तो आपको 200 रुपए का आएगा। ये तो टी शर्ट दे रहे हैं 150 रुपए में हरित संजीवनी वाले। आपको कैप, टाई, टूल किट, बैग, लैपटॉप बैग, बैच, स्टिकर, पेन, सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी मर्चेंटाइज पे। मर्चेंटाइज लिख लीजिए, वहां पर जाके क्लिक करेंगे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको वहां पर आपका कोरियर आपके घर तक आता हो ऐसा पता बताना है। गांव में रहते हैं तो शहर में किसी पिकअप सेंटर का पता बता दूं तो हम अपने यहां से कोरियर करके उस पिकअप सेंटर में पहुंचा देंगे। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, वो पिकअप सेंटर वाला आपको फोन करके बता देगा कि आपका सामान आया है, ले लो यहां से। अगर आप गांव में रहते हैं तो दोस्तों अगर 100 रुपए, अगर आपका जो ऑर्डर है वो 1000 रुपए से कम का है तो 100 रुपए कोरियर चार्ज आपको लगेगा। अगर 1000 रुपए से ऊपर अगर ऑर्डर है, पूरे टीम का मिलके ऑर्डर कर दो तो कोरियर चार्ज हरित संजीवनी कंपनी का है, फ्री में आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो ये रहा संपूर्ण जानकारी, पूरी आपको जानकारी आज दे दिया। आज का आपके पास आने का मेरा जो मेन उद्देश्य था मंजीत सर, लोगों के मन के अंदर ये बात क्लियर करिएगा कि ये बात रहती है कि हरित संजीवनी को स्टार्टिंग से देना है। तो किसी किसान ने अगर मक्का बोया है और अभी मक्का जो है वो 3 फीट 4 फीट का हो चुका है और उसको हरित संजीवनी का देने की बात आती है तो वो मना कर देता है, ये गलत है। आप दे सकते हो, फ्रूट स्पेशल स्प्रे कराना है। और जो पत्तेदार सब्जियां होती है जिसको हम लोगों के एरिया में भाजी बोलते हैं, पाव भाजी, नाम सुना ना, महाराष्ट्र में क्या होता है, सब्जी को भाजी बोलते हैं। तो भाजी का मतलब हमारे यहाँ क्या है, वो पत्तेदार लाल भाजी। हम पालक को भाजी बोलते हैं, मेथी के भाजी बोलते हैं। तो उस भाजी में अगर हरित संजीवनी डालना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें फ्रूट स्पेशल का स्प्रे करा सकते हैं। तो ये मिथक को बिल्कुल अपने दिमाग से उतार के तुरंत टूट पड़िए। अपने टीम के अंदर खबर भिजवा दीजिए कि आप हरित संजीवनी का अभी भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो सितंबर मंथ मेरे ऊपर देख रहे होंगे, सितंबर मंथ टारगेट मंथ है और मैं ये चाहता हूं और पूरी हरित संजीवनी टीम ये ईश्वर से दुआ करती है। आज नाग पंचमी है, इस नाग पंचमी में हम ईश्वर को और शंकर भगवान को हाजिर नाजिर जान के ये मैं आप लोगों के लिए दुआ मांगता हूं कि मंजीत सर के टीम में रॉयल्टी और टेक्निकल की हे ईश्वर बारिश करा दो हरित संजीवनी के तरफ से। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड बाय।